बेटी है। बधाई हो एक बेटी के जन्म पर। किटी तुम बेस्ट मास्टर हो, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हमारे कभी बच्चे नहीं थे और तुमने हमारा सपना सच में पूरा किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच में बहुत बड़ी खुशी है। हमारी प्यारी मेगन। हेलो बार्बी। हेलो कैन। मुझे तुमसे नफरत है और तुमसे भी। आ आ आ देखो तो ये मेडल भी स्विस यहाँ आ गया। चलो अब उन पर पूप फेंकते हैं। हाँ तो चलो। चलो फेंके। ओए ओए ये क्या है? देखो तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है। समझ गए, ये पागल लोग मुझ पर फिर से हमला कर रहे हैं। ठीक है। सैंडी, हमारी मदद करो। क्या बात है, किसने मारा तुम्हें? बस बहुत हुआ तुम्हारा। अरे बच्चों को क्यों सता रही हो, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तुम एक भयानक बच्ची हो। तुम बच्ची नहीं बल्कि डॉल हो, डॉल, एक मूर्ख मेंटल डॉल। हुरे, अब हम खाने वाले हैं। बच्चों, खाने का अच्छी तरह से मजा लो। मैं क्या करूं? वो अपने मुंह में लोहे के टुकड़े क्यों डाल रहे हैं? सभी बच्चे अच्छे से अपना लंच कर रहे हैं। लो तुम भी अपना दलिया खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। शरारती बच्ची, जल्दी खाओ। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मैं नहीं खाऊंगी। अरे तुमने हमारी मिस सिंडी के साथ में क्या किया? गाइस, चलो हम इसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। ऐसे राक्षस को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। लगता है मेरी बैटरी अभी खत्म होने वाली है। नहीं, अभी नहीं, बैटरी खत्म हो गई है। ओ डार्लिंग, तुम्हारी पावर तो खत्म हो गई। इसे जल्दी से चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। अब तुम कैसी हो? ओह, लगता है मेरी चार्ज हो गई। माँ, पापा, उन्होंने आज मुझ पर अपनी पैंटी रखी और मुझ पर पूप भी किया। ओह, कितना भयानक। सब मुझे चोट क्यों पहुंचाते हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम उनकी जैसी नहीं हो मेगन, तुम उनसे बेहतर हो। डॉल, रोबोट, मैं एक रोबोट डॉल हूँ। मेगन, हाय बेस्टी, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उप्स। किसी, थोड़ा आराम से किया करो। माफ करना। अच्छा तो लड़कियों, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग मजे करना, ठीक है? मेगन, हम पूरे वीकेंड साथ में रहेंगे। हाँ हाँ, मुझे बस कुछ काम करना है। मेगन, क्या ये चाकू है? तुम क्या कर रही हो? मैं बेवकूफों से बदला लेना चाहती हूँ जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेगन, शायद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं तय करूंगी कि क्या करना है। हे भगवान, भयानक चाकू। और रुको, ये सच नहीं है। मेगन, तुम जोकर हो एकदम। मिया, आओ एक सेल्फी लें। ओके। वाओ। हेलो सब लोग, हमारी क्लास है ना? क्लास क्लास क्लास।
अरे देखो तो ये मेटल पीस फिर से यहाँ आ गया और फिर अटक भी गया। बंद रखो वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी। उसे क्या हुआ है? अरे यार तुम फिर बच्चों को चोट पहुंचा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह मिस सिंडी, वो पागल हो गई है। तुम सोसाइटी के लिए काफी बड़ा खतरा हो, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन उसने इसकी शुरुआत की, मैं तो सिर्फ अपना बचाव करना चाहती थी। आज स्कूल के सारे डेस्क तुम साफ करोगी। उसे स्कूल से निकालना होगा, ये पागल डॉल बचपन से हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे मिया को तुरंत खत्म करना चाहिए था और इस क्लास में सभी को। ईवा क्या हम टहलने जा रहे हैं? नहीं, वो मुझसे क्लास साफ करवा रहे हैं। ये बुरा है, तुम पानी नहीं छू सकती हो। ठीक है, मेरे पास ग्लव्स हैं। नहीं, सारी सफाई मुझे करने दो। हाँ, मैं नहीं चाहती तुम फिर से खराब हो। अरे केसी, तुम कहाँ हो? मेगन, मैं बहुत थक गई हूँ। एक घंटे में पूरी क्लास को साफ करना मुश्किल है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हेलो, आज हमारे शेफ सबको अपनी सिग्नेचर सलाद खिला रहे हैं। समझ नहीं आता केवल सलाद ही क्यों है, आयरन वाला सलाद कहाँ है? तो एक टेबल के लिए सलाद की बस एक प्लेट, और हमारे पास लोहे की डिशेस नहीं है। बेवकूफ कैफे। तुम क्या कर रही हो? आओ मेगन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेगन। बेवकूफ लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये आराम का समय है, आराम का समय। ये क्या है? हे मेगन, क्या सब ठीक है? मैं नहीं, केसी। हेलो, मैं हूँ टायलर, एक रोबोट। वाह, मैं मेगन हूँ, एक रोबोट डॉल। मैंने तुम्हारे जैसे खूबसूरत गियर कभी नहीं देखी। मैं बहुत खुश हूँ टायलर। चलो मैं तुम्हें अपना चार्जर दिखाता हूँ। अरे मेगन, मेरा क्या? अरे दोस्तों, तो सबको मैं कल अपने घर बुला रही हूँ। वहाँ शानदार पुल है और मेरे मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं। मेगन ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे एक लड़के ने छोड़ दिया। आओ, अब मैं अपने क्लासमेट के साथ जाऊंगी। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये पार्टी अमीरों के लिए है, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे ये एक पब्लिक पूल है, तुमसे कोई मतलब नहीं। ना 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 ना। यहाँ से निकल जाओ तुम। नहीं, मेगन जल्दी आ जाएगी और वो तुमसे निपट लेगी। हो हो। जैक, कुछ करो। मेरी फ्लोटी, अब तुम पागल हो क्या? मुझे तैरने नहीं आता। बाहर निकलो, अगर तुम और तुम्हारी दोस्त यहाँ दोबारा दिखी तो तुम तो गई, समझी? तुम बहुत पछताओगी। कोई मेकर और मुझसे प्यार नहीं करता। खैर, उसका तो मैं समझती हूँ, लेकिन मुझको क्यों? केसी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारे क्लासमेट मुझे धमका रहे हैं, हर कोई मेगन और मुझसे नफरत करता है। केसी, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमारी मेगन के साथ हमेशा रहने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मेगन बहुत लकी है कि उसे आप जैसे पेरेंट्स मिले। देखो अभी हमें काम पे जाना है, फिर मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। हाँ।
काश मेरे भी मम्मी पापा ऐसे होते। मिस्टर नेट, मिस क्रिस्टी। टाइलर कहाँ है? उसने मुझे डेट के लिए कहा और अकेला छोड़ दिया। मेगन, ये फूल तुम्हारे लिए। मेगन, तुम्हें क्या हुआ? ओह, शायद कोई सिस्टम गड़बड़ी। लेकिन फूल, ये तो बहुत सुंदर है। आओ चलो मूवी देखते हैं। क्या रोबोट के बारे में कोई फिल्म है? हमें उसकी जरूरत नहीं है। चलो बारबी देखने चले। बारबी? अरे नहीं, मेरी आंखें फड़कने लगी। सब ठीक तो है? नहीं, क्या तुम उसे घूरना चाहते हो? क्या तुमने अपने लिए नई डॉल ढूंढने का सोचा है? ना, मेगन, रुको, 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 आग, रुको। चलो घूमने चलते हैं। मेरे लोहे के शरीर पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, रुको। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद फोन खराब होगा। मेगन, कुछ भयानक हो गया है। क्या तुमने अब दोस्त से ना करने का सोचा है? क्या तुम उससे नाराज हो? मेगन, तुम्हारे मम्मी पापा, एक उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। कहा? ये कैसे हुआ? तुम्हारे घर के कुछ दूर वो कार में थे और एक्सीडेंट हो गया। कितना भयानक। मेगन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है, मुझे पता है। मेगन, तुम रो रही हो? पहली बार है जब मैंने तुम्हें रोते देखा है। नहीं, अभी बारिश हुई है, वही पानी है। घर चलते हैं, चलो। ओ, सचमुच बारिश ऐसा लग रहा है। हम जा रहे हैं, वरना मैं हमेशा की तरह खराब हो जाऊंगी। हाँ तो मैगन, अब तुम यहीं पर रहोगी। क्या आपको यकीन है? क्या आपने कोई गलती नहीं की? नहीं, यही तुम्हारी आंटी रहती है और तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद अब तुम यहीं रहोगी। इस सूटकेस में क्या है? मेगन, अब मुझ में ताकत नहीं है। चलो चलते हैं। तुम सिर्फ एक ड्रेस पहनती हो, तुम्हें इतनी सारी चीजें क्यों चाहिए? इसमें खिलौने नहीं है, ये लोहे के पार्ट्स हैं। अगर मैं खराब हो जाऊं तो। मेगन, अभी यहाँ आओ। मिसेस एरियल, मेगन को यहाँ स्वस्थ और सुरक्षित पहुँचा दिया है। ओ, क्या ट्रेजेडी है, बच्ची मम्मी पापा के बिना रह गई और मैं अपनी बहन के बिना। मेरे कान में मत चिल्लाओ, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे नहीं संभाल पाएगा। मुझे भी दुख है, लेकिन अब आपके साथ मेगन है, उसका आप ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ मेरी बहन की विरासत में क्या है, उन्होंने मेगन के लिए क्या छोड़ा है। एक सेकेंड, जरा ये पढ़ लो। जब मेगन 18 साल की होगी तो ये 1 मिलियन उसे दे दिए जाएंगे। तो मैं कैसे ले सकती हूँ इसे? ये बस तभी है जब मेगन के साथ कुछ दुखद होता है, तो मैं चलती हूँ। मेगन, उम्मीद है तुम अपनी आंटी के साथ अच्छे से रहोगी। बहुत ही अच्छा, मैं इसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही करूँगी। ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया, दुखी न होने की कोशिश करो। आंटी एरियल, आप चुप रहो, तुम्हें किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा है, डॉल, समझी? क्या क्या आप खुश नहीं हो कि मैं यहाँ रहने आई हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो चलती फिरती प्रॉब्लम हो, रिचार्ज की जरूरत, कभी नए पार्ट्स की जरूरत, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा तुम्हारा। तुम मतलब ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदमाश? अपनी ताकत दिखाने का सोचा, बहुत हुआ, भागो। जाने दो, जाने दो, ये मेरा घर है और मेरे ही नियम रहेंगे। अटारी पर जाओ, तुम वही रहोगी, समझी? मम्मी पापा, आप चले गए और मैं यहाँ पर अकेली रह गई अपनी नई दोस्त केसी और टाइलर के साथ। अब मैं सिर्फ अपने दम पर हूँ। हेलो मेगन, हेलो मेगन, हेलो मेगन,
अटक गए। ओह हेलो मेगन। अरे जाने दो, तुम्हें क्या हुआ है? शायद मरम्मत का टाइम है। हाँ शायद, चलो साथ चलें। ओह तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था और तुम्हें ये देने का फैसला किया। ओह बढ़िया गिफ्ट, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। ये प्यारा सा टेडी बियर तुम्हारे लिए। वाह कितना अनएक्सपेक्टेड। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये टेडी बियर इतना भारी होगा। मेरी मदद करो। माफ करना। क्या तुमने मुझे मारने का फैसला किया है? समझ नहीं आया क्या? तुम वहाँ किससे बात कर रही हो? जिनके डिब्बे? चुप हो जाओ तुम। वो कौन है? मेरी आंटी, मैं अब उनके साथ रहती हूँ। कैसी आवाजें हैं ये? मैं ऊपर आ रही हूँ। आप गड़िया के होंगे चमकीले बाल। कौन है? खोलो जल्दी जल्दी। मैं बिजी हूँ, बाद में आना। मेरे पास टाइम नहीं है। कौन हो तुम और मेरी वर्कशॉप में कैसे घुसी चली आई? मुझे मैगन की डॉल खत्म करनी है। वही मेगन जिसे 16 साल पहले मैंने बनाया था? हाँ मुझे चाहिए विरासत। जल्दी बताओ क्या करना है। मेगन को ऐसे नहीं हरा सकते, उसके पास कई ऐसी क्षमताएं हैं जिनके बारे में उसे खुद नहीं पता। क्या तुम बहरी हो? मैंने पूछा मैं क्या करूँ। हमें चाहिए एक डॉल जो उसका खात्मा कर सके। बहुत बढ़िया, एक डॉल बना दो जल्दी से। डॉल तो बहुत पहले बनाई गई थी, वो अभी आएगी। है कहाँ वो? हेलो मैं टीना हूँ, मैं वो डॉल हूँ जो सबको खत्म कर देगी। ये मेरा बेस्ट क्रिएशन है। वाह क्या ये सच में मेगन का कुछ कर सकती है? मैं सब करती हूँ, बस थोड़ी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ओह तेज, ओह इसे एक दिन के लिए मेगन से छुटकारा पाने के लिए प्रोग्राम करो। मेगन तो गई। हे हुरे! अरे तुम धूल से भर गई हो। केसी तुम बहुत अच्छी हो, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेशक, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया था मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। आओ याद रखने के लिए एक फोटो लें। वाओ। हाँ? हो गया। ओ वाओ, क्या तुम्हारे पास ऑनलाइन प्रिंटर या कुछ और है? ये बहुत बढ़िया है। लड़कियों ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। वाह शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो। मेरा दांत, टाइलर ये क्या है? ये मेटल आइसक्रीम है, मेगन को बस यही पसंद है। हाँ हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा दांत अब टूट जाएगा। शुक्रिया टाइलर। आखिरकार हम मिल गए मेगन। हमें क्या करना चाहिए, या क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मुझे ही तुम्हारे करने के लिए कुछ ढूंढना होगा। अब ये कौन है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें खत्म करने आई हूँ मेगन। लगता है हमें भागना होगा। गुड बाय मेगन। सोचा था मुझसे छुटकारा पाना आसान होगा। सिस्टम एरर। चलो चले, पता चलो वो भी एक डॉल है, कमाल है। जाओ यहाँ से। ये डॉल मेगन को मारना चाहती है? वाओ जो मैं चाहता हूँ। हाँ मैंने भी यही सोचा। वार्म अप करो जल्दी। और तुमने चेंज क्यों नहीं किया है? हमारे पास स्पीकी है। मैं ये बकवास लेगिंग नहीं पहनना चाहती। अरे दोस्तों मिस इंडी, वहाँ पर एक डॉल है। मेगन ने फिर कुछ किया क्या? नहीं वहाँ एक और डॉल राक्षस है, मेगन से भी बदतर। क्या वो लोग अब एक साथ मिलकर हमें सताने वाले हैं?
अरे यारो, मैंने सुना है कि वो डॉल मेगन को मारना चाहती है, इसीलिए तो वो बहुत बड़ी बंदूक लेकर आई थी। चलो उसे ढूंढें और मिलकर सौदा करें और हम सब उसे मिलकर मार देंगे। बिल्कुल, फिर वो हमें परेशान नहीं करेगी, हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। क्या मिसेस सिंडी हमारे साथ है? हाँ बिल्कुल, उस राक्षस ने पहले ही मुझे काफी थका दिया, मेरा बॉस चले तो मैं उसे। तुम एक डरावनी औरत हो। हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से उस डॉल को ढूंढो। चलो जल्दी, सब लोग आओ, जल्दी आओ जल्दी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें डॉल को ढूंढना है, अगर वो खतरनाक हुई तो हमें तैयार रहना होगा। मैं सिर्फ उस डॉल से ही नहीं डरती, मिस सिंडी से भी डरती हूँ। हाँ तो जैच और लिली, ये बंदूकें तुम्हारी हैं। लेकिन ये असली नहीं है। तो क्या बस यूं ही? मिया, ये तुम्हारे लिए। मैं ही क्यों? अरे रो मत, रुको। एलिस, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तलवार बढ़िया है। उसे क्यों खूबसूरत तलवार मिली है और मुझे ये बैट मिला, ये सही नहीं है। ओ हेलो, चुप रहो, जल्दी जाकर तुम सभी लोग उस स्टॉल को ढूंढो, मेरी नजर तुम सब पर रहेगी। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। हम क्या करें? मैं चाबी ले आई। मेरा पैर ठीक करो, ये गिरने वाला है। डर लग रहा है, मैं नहीं जानती कैसे। मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है। ठीक है, उम्मीद है मैं सब ठीक कर रही हूँ। ओहो, पकड़ लिया। ओह हेलो, हम अभी मरम्मत कर रहे हैं। मुझे वो चीज दे दो। इसे मुझे वापस दो, मैंने अभी मेगन को ठीक नहीं किया है। उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है, टूटने दो उसे, वो बेकार है। ठीक है, मेरे दोस्त को मत छुओ। ओ, तुम क्या करने वाली हो, मुझ पे लेजर चलाओगी? ए, तुम पागल हो क्या? अब इसे जाने दो। कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा कहूंगी, लेकिन मेगन उसे पकड़ो। मेरे कान, मेरे कान। मुझे तुमसे नफरत है दुष्ट आंटी। अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेगन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो वहाँ है। मैं फंस नहीं जाने वाली हूँ वहाँ, वो डॉल तो डरावनी है। हेलो, मुझे ढूंढ रहे हो? नहीं 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 नहीं, जैक तुम्हें कुछ बताना चाहता है। मैं सुन रही हूँ जैक। कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है? बस इतना ही, हमारा काम हो गया। तुम्हारे पास 5 सेकंड है। बहुत हुआ, मैं और नहीं सहने वाली हूँ, आज तुम्हारा पत्ता मैं काट के रहूंगी। बस यही हमारा मेन टारगेट है। मारना, बढ़िया। वैसे मैं टीना हूँ और मेरा काम मेगन को मारना है। सुपर, तुम रिंग में मेगन से लड़ोगी, ये कैसा शानदार सीन होगा। नहीं, ये मेरे लिए बहुत आसान है। रुको, क्या ख्याल है, मैं तुम्हें एक चार्जर देता हूँ। सुपर, हम रिंग में लड़ेंगे, मैं तैयार हूँ। मेगन, तुम्हें भागना होगा, डॉल तुम्हारा शिकार कर रही है। शायद वो बस दोस्त बनना चाहती थी। बंदूक के साथ? हाँ सही। ये कितना अच्छा पियानो बजाती है। बस चलो चलो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ठीक है मेगन, अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। टायलर, उसे पकड़ो। सुपर, चलो चले। मैं सारा सामान पैक कर लूंगी तुम्हारा। वो रही वो, पकड़ लिया। अरे नहीं, पीछे हटो वरना तुम गए। मेगन को हमें दे दो अच्छे से। नहीं तो हम उसे फोर्सफुली ले लेंगे। अरे नहीं, हमें मेगन को चालू करना होगा। दोस्तों, पकड़ो उन्हें जल्दी। ये तो कमाल है, ये एक शो होगा। हमारी टीना उसे पीटेगी। कहाँ है वो?
तैयार हो रही है, वो चार्जर पर है। टाइलर ये आ गई हमारी मेगन। वो इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे निराश मत करना तुम। तो हमारी लड़ाई में तुम्हारा स्वागत है। टीना बनाम मेगन। मेगन टर्न ऑफ है और मरने वाली है। लगता है कि मेगन तो गई। वो चालू कैसे हुई? मेगन, मुझे विरासत चाहिए। टाइलर, हमें और पावर की जरूरत है। ये अनएक्सपेक्टेड था। अरे नहीं, टीना हार गई। अरे मेगन, बधाई हो, तुमने टीना को हरा दिया। मैं हैरान हूँ, समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। तुम्हें पता तो है, आखिरकार तुम ताकतवर जो हो। शुक्रिया दोस्तों, तुम बेस्ट हो। मेगन, मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने प्यार से मिलूंगा। मुझसे शादी करोगी? कमाल है। टाइलर तुम चुप रहे। मैं हाँ कहती हूँ। हुर्रा! अब हम दो छुट्टियाँ मनाएंगे, तुम्हारी शादी और मेगन की जीत। बहुत मजा आएगा। मेगन! टायलर, मैंने ये क्या कर दिया? वो पानी में नहीं जा सकती टायलर, हमें उसे बचाना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मास्टर के पास जाना होगा अभी। मेगन मुझे माफ कर दो। मास्टर, मेरी मदद करो। क्या बात है? मेगन पानी में गिर गई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे नहीं, उसको हुआ क्या है? उम्मीद है सब कुछ खराब है और वो खराब हो चुकी। अभी देखते हैं। मेगन, नहीं। लगता है ये अंत है, अब इसे बचाया नहीं जा सकता, ये एक कबाड़ बन चुकी है। यहाँ कितनी दुखद स्थिति है और मुझे मेरी विरासत मिल जाएगी। वाँ, वाँ। मेगन जा चुकी है। मेरी दुल्हन चले गई, जीवन का मतलब उसके साथ डूब गया। ये मेरी गलती है, मैंने गलती से उसे धक्का दिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेगन का चाकू है, ये खिलौना है, ये उसकी इकलौती चीज बची है। टायलर हम क्या करें? लगता है मेरा मैकेनिकल हार्ट धड़कना बंद हो रहा है मेगन के बिना। क्या कह रहे हो टायलर? टायलर नहीं, टायलर नहीं, ये सब मेरी गलती है। हुर्रे, मुझे मेरी विरासत मिल गई। ये अगले आदेश का इंतजार है। ओ, तुम तो रिंग में कुछ कर भी नहीं पाई। अच्छी बात है, मेगन ने खुद को खराब कर लिया। माफी चाहती हूँ, बेहतर करने की कोशिश करूँगी। बढ़िया, तो तुम अगली बार तक यही खड़ी रहोगी। हाँ, क्या तुम मुझे बंद करोगी? बिल्कुल। बैटरी का यूज क्यों करें? हाँ, खास कर जब तुम एक मेगन की तरह पिका जोल हो। अभी यही खड़ी रहो। Hello.
आज हमारे पास एक सेक्शन है जहाँ हम अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट को पढ़ते हैं। तो आज के हमारे सब्सक्राइबर्स का पहला कमेंट है, मुझे ये वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, शुक्रिया इसे बनाने के लिए। 9 जून को मेरा बर्थडे है और मेरा नाम है जारा। बढ़िया, बहुत सुंदर नाम। जारा को बर्थडे विश करते हैं। हाँ, करते हैं बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे वी लव यू। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कमेंट लिखने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ये न केवल अच्छा है बल्कि ये जरूरी भी है कि सभी सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट्स में लिखें। मेरे पास अगला कमेंट है, मैंने सिर्फ नाम देखा है, मैं इस कमेंट को पढ़ नहीं सकता। मैं लाल दिल टीना से हमेशा प्यार करता हूँ और किट्टी के गाल पर बहुत सुंदर डिंपल है और केसी और टीना बहनों की तरह है, वे चार्मिंग है और इवा शानदार और फनी है। आई लव क्रेजी गर्ल। हमें कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें इस तरह के कमेंट्स लिखते रहिए, प्यार बांटते रहिए, है ना। लेकिन टीना और केसी यहाँ पर है नहीं, है ना, और किट्टी, लेकिन वे खुश होंगे, हम पक्का इसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए दोस्तों, अगला कमेंट, कभी भी उस इंसान से दूर ना हो जो आपसे सच्चा प्यार करता हो। मेरा मानना है सच है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो मैं विश्वास करती हूँ आपको एक दूसरे से भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। हाँ, समर्पित होना होगा। हाँ दोस्तों, इस लाइफ में हम केवल उन्हीं को चुनते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें चुने जो हर चीज में आपके लिए सही हो और आप उनसे प्यार करते हो। और अगर आपने उन्हें चुना है तो उन्हें धोखा क्यों दें, फाइनली उन्हें ही चुन लेना, क्योंकि फाइनली आपने ही उन्हें चुना है। तो कम से कम अपनी पसंद के साथ धोखा मत करो। मैं तो अभी भी चुनता हूँ नाश्ते में क्या खाया जाए, क्या है सही है। हाँ, ये तो तू हर दिन चुनता है ना। बढ़िया, तो मजे ले रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया नेट। क्रेजी घर दुनिया का सबसे अच्छा चैनल है, आई लव यू, मुझे तुम पसंद हो जैक, अर्जेंटीना से हेलो। अर्जेंटीना हेलो। मुझे खुशी है कि हमें दुनिया भर में देखा जाता है, हमें पहचाना जाता है, कितनी अच्छी बात है। जब से बच्चों के फोटो डालने शुरू किए तब से रेटिंग बढ़ी है यार दोस्त। अगर आपके मम्मी पापा फेमस हैं तो हमें लेके हम सब मिलकर एक साथ शुभकामनाएं भेजेंगे। इसकी वजह से किसी तरह की कार्टे ब्लैंच। मुझे याद है कि ये मजेदार होगा अगर किसी दिन हम में से कोई हॉलीवुड में पॉपुलर हो जाए और बाकी सब हमारे सामने आएगा क्रेजी घर। और अब अगला कमेंट, हेलो, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं अभी स्कूल से लौटा हूँ, क्या आप ये वीडियो बाद में बना सकते हैं ताकि मैं उसमें कमेंट कर सकूँ, क्योंकि मुझे स्कूल का भी बहुत काम होता है। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, हमेशा, जब आप चाहें, आज, हाँ, कल, परसों, कभी भी कर सकते हैं, आप जब चाहे तब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप सभी से मिलना चाहता हूँ, हम भी आप सभी से मिलना चाहते हैं, यकीन मानिए, और हम इसके लिए प्लान भी करेंगे। लेकिन 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है और मैं आपसे मिलने का सपना देखता हूँ, और मैं अपना बर्थडे आपके साथ बिताना चाहता हूँ। अगर आप अपना मन बनाते हैं तो मैं मेटो शेड और अगर आप जवाब देते हैं तो मैं आपको अपना नंबर भेजूंगा। और मुझे बताओ कि कौन मुझे कांटेक्ट करेगा और पता भेजेगा, प्लीज आ जाओ और मुझे अपना पता भेज दो। हाँ, प्लीज आ जाओ और अपना पता मुझे भेज दो। हम दिल से आपके इनविटेशन से बहुत खुश हैं, हम सभी को वहाँ आकर बहुत खुशी होगी, है ना दोस्तों। क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत है और हम सभी का सपना है कि आपसे आकर वहाँ मिले। आपको आपके बर्थडे पर पहले बधाई देंगे, तो चलो सब एक साथ हैप्पी बर्थडे। क्या कोई नाम है? नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो जगह बहुत दूर है, हम आपसे बहुत दूर रहते हैं और हमें आपके लिए बहुत सारे वीडियो भी तो शूट करने हैं, क्योंकि जब तक हम आपके पास आएंगे वीडियो रिलीज नहीं हो पाएंगे, फिर आप देखोगे क्या, और फिर जब तक हम आपके पास आएंगे आप हमें भूल चुके होंगे कि हम हैं कौन, क्योंकि लंबे समय तक हमारा कोई वीडियो नहीं आया होगा। अच्छा, तो अगला कमेंट, तो मैं सिर्फ वही सीक्रेट रखता हूँ जो कि मुझे रखना चाहिए, जैसे कोई बर्थडे गिफ्ट या फिर मैंने कुछ तोड़ दिया हो तो, और कभी कभी मुझे सही टाइम मिल जाता है ये सब दूसरों को बताने का। हे दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी को कुछ सीक्रेट्स रखने चाहिए, तुम सबको नहीं लगता क्या? मुझे तो ये सही लगता है। अगर ये बर्थडे गिफ्ट्स के बारे में है तो सही टाइम है, कहने का सही टाइम शायद बर्थडे पर है। और
उसके बारे में जो सीक्रेट रखा गया है। सीक्रेट की जो कि हम लोग तोड़ लेते हैं। टूट गया तो मानो वो झूठ बोल रहा हो। वैसे हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ इसे सीक्रेट रखना चाहिए बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्लोजर वन ने आपको कुछ बताया हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। नहीं बताती फिर? मैं तो ना बताने की कोशिश करूँ। अच्छी बात है, मुझे कभी सीक्रेट बताता क्यों नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, मेरे पास था, नहीं बताया। ये नहीं बताया क्योंकि मैंने बताने के लिए सही इंसान को चुना। हाँ, ये जानना कि किसे बताना अच्छा है। ऐसा होता है, लेकिन जरा सोचो कि अगर ऐसा होता कि जिस इंसान को कोई सीक्रेट बताया उसे सबको पता चल जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आपने बात करना बंद कर दिया। इग्नोर कर दिया। कितने लोग जानते हैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में? कोई तो बताओ यार मुझे। करीबी लोग हैं और शायद अपने सीक्रेट्स को लेकर उन पर भरोसा कर सकते हैं। सच में मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली मेरे पास अभी बताने के लिए सीक्रेट ऐसा कुछ अच्छा है तो नहीं। में किसे पता नहीं सोच रहा है। मुझे टीना पसंद है। मैं ये बात उसके मुंह पर आसानी से बोल सकता हूँ और मैं उसके साथ में वॉक पर जा सकता हूँ। और दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा आइडिया है। अच्छा बाबू, हमें खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप हमारी तारीफ लिखते हैं नेट। तुम बहुत सुंदर हो मियाँ। तो सबको बताइए कितना बेहतर हो। जब आप तारीफ लिखते हो तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन व्लॉग में अगर आप सच में दिलचस्प क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आसान हो जाता है। इसीलिए मैं ये चीज लेकर आया हूँ। सबसे दिलचस्प क्वेश्चन हम प्रिंट करेंगे, न केवल वो हमें पसंद आएंगे बल्कि उन्हें ब्लॉग में आंसर करेंगे। हम उन्हें दीवार पर, एक बोर्ड पर, किसी प्रकार के ऑनरेरी बोर्ड पर अच्छे से छिपा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने इसका पता कैसे लगाया? ऐसा तो कोई रूल भी नहीं इसमें। शाबाश। हाँ तो डियर सब्सक्राइबर्स, सच में दिलचस्प क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें और आप खुद को वाकई हमारे बोर्ड ऑफ ऑनर में जगह पाएंगे। तारीफ लिखे क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। छोड़िए, सच है हमारी नैया तो नहीं पाल लगाई है ना। तो हमारा ब्लॉग अभी खत्म होने के कगार पे आ गया है। बस यही एक इकलौती लड़की है जो स्विच ऑन कर सकती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे वापस दे दो, मैंने अभी तक मेगन को ठीक नहीं किया। यही एक चीज बची है। मेगन।